आज की इस वीडियो में हम आपको नियाजीपुर में संपन्न हुई हॉर्स रेस चेतक प्रतियोगिता सेमीफाइनल राउंड टू की वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं राइडर पोंगा यादव अजय सिंह साथ बक्सर बिहार के हाथों दूसरा का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं और घोड़ी के प्रदर्शन को देखकर अजय सिंह साथ बक्सर बिहार ने 5100 रुपए का नगद पुरस्कार घुड़सवार पोंगा यादव की घुड़सवारी और घोड़ी की चाल पर उनको देकर पुरस्कृत किया। प्रथम और तृतीय का पुरस्कार फरहान अहमद मोतिहारी के घोड़ों को मिला पर उन लोगों ने इस प्रतियोगिता में उस पुरस्कार को ग्रहण नहीं किया, जो किसी प्रकार से अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार आप देख रहे हैं प्रथम चक्र छूट चुका है और सेमीफाइनल राउंड टू की ये वीडियो है और घुड़सवार राइडर पोंगा यादव को आप देख रहे हैं जो इस बिजली रानी के साथ इस प्रतियोगिता में भारी पड़ रहे थे इस चक्र में भी। और आप देख रहे हैं कि आधे चक्र की खेल की समाप्ति होने की तरफ अग्रसर है और राइडर पोंगा यादव घोड़ी बिजली रानी के साथ एक अलग ही रुतबे में नौली चेतक प्रतियोगिता से दिख रहे हैं। इनका प्रदर्शन अक्टूबर में 2 अक्टूबर को करमदीनपुर में भी काफी बेहतरीन रहा। वहीं आप देख सकते हैं नौली की प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया इसी घोड़ी से और वहां भी इन्हीं घोड़ों से टक्कर हुई थी। आप देख सकते हैं दूसरा चक्र अग्रसर है और राइडर पोंगा यादव और सवार आजम में एक जोरदार टक्कर चल रही है। आप देख रहे हैं कि घोड़ा दाहिने तरफ से चढ़ रहा है और आगे नहीं निकल पा रहा है, फिर भी कुछ ही समीप का ये खेल है पर यही खेल लास्ट तक बना रह जाता है। दूसरा चक्र चल रहा है, कमेटी से मैं कहूंगा कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कमेटी से चक्रों को गिनने में जरूर हुआ, जहाँ पर काउंटिंग को लेकर 4 चक्रों की जगह 5 चक्रों की इस सेमीफाइनल दौड़ को कराया गया। तीसरा चक्र अब शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं एक बार फिर से लीड बनाने का भरपूर प्रयास बिजली रानी घोड़ी के साथ राइडर पोंगा यादव कर रहे हैं। वहीं सवार आजम की लगातार ये प्रयास है कि कब वो घोड़ी से आगे बढ़त बना लें, पर बार बार वो विफल हो रहे हैं और 5 चक्रों की इस चेतक प्रतियोगिता में बार बार उनका यही प्रयास रहा। एक बार फिर से वो पहुंचे समीप और मोड़ से फिर से बिछड़ गए। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक बार फिर से थोड़ी सी चाल गड़बड़ हो रही है सवार आजम की और वो पीछे चले जा रहे हैं और वहीं पर घोड़ी का प्लस पॉइंट हो जा रहा है जो राइडर पोंगा यादव के हाथों में है और बिना चाल बिगाड़े भरपूर अपना 100% वो घोड़ी इस फील्ड पर अपना दे रही है। कोड़े को लेकर भी मैंने कुछ सवाल सुने थे जिसे आप देख सकते हैं कि राइडर पोंगा यादव के हाथों में बाएं तरफ कोड़ा है और दूसरे घोड़े को डिस्टर्ब करने का इस सेमीफाइनल के राउंड में कहीं से कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। वीडियो सबके सामने है और सभी को ये चीजें दिखाई दे रही है। इसी राउंड में समाप्त हो जाना चाहिए था पर एक चक्र और हुआ भूलवश। यहाँ भी आप देख सकते हैं राइडर पोंगा यादव के हाथ में बिजली रानी कितनी फुर्तीली चाल, छोटी कद की ये घोड़ी इतने बड़े भी ग्राउंड पर कितनी बेहतरीन चाल और कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है वो आप सबके सामने है। राइडर पोंगा यादव कई वर्षों के बाद अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं। कहते हैं कि हथियारों में जंग नहीं लगती है, वक्त बारूद का होता है कि कब कौन सा बारूद हाथ लग जाए और उस बारूद को लेकर वो हथियार फिर अपना वही अंदाज दिखा दे। वही ठीक हाल इस समय राइडर पोंगा यादव का है। पिछले वर्ष ये घोड़ी जहां लड़ी 3रा 4था 5वें स्थान तक इस घोड़ी ने प्राप्त किए, पर इस वर्ष की इन प्रतियोगिताओं में इस घोड़ी ने बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। सूचना एक नई चेतक प्रतियोगिता का जो पिछले वर्ष भी हुई थी, स्वर्गीय जगदीश सिंह के स्मृति में इस चेतक प्रतियोगिता को 26/10/2024 दिन शनिवार समय 12 बजे से इस प्रतियोगिता को आयोजित कराया जा रहा है। आप इस चेतक प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अगर इस प्रतियोगिता से जुड़े आपके कोई सवाल हो तो दिए गए नंबरों पर आप फोन करके और पूरी जानकारी ले सकते हैं। 26 अक्टूबर को इस चेतक प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पिछले साल काफी बेहतरीन तरीके से इस चेतक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उम्मीद है कि इस वर्ष भी इस चेतक प्रतियोगिता को उसी अंदाज में और उसी प्रकार से संपन्न कराने का पूरा प्रयास कमेटी की तरफ से किया जाएगा। चेतक प्रतियोगिता में पहुंचे और इस चेतक प्रतियोगिता को भी सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान